हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एडिटिंग का। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। तो हमने अपने पिकआर्ट एप्लीकेशन को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद उसमें सिंपली बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर लिया है। इस वीडियो में यूज़ किया जाने वाले सभी बैकग्राउंड और पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस बैकग्राउंड को हम सिंपली रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करने के बाद ऐड फोटो पे क्लिक करके हमें अपने मॉडल को ऐड करना है, जो कि हमने इसका कटआउट बना के रख लिया है। अगर आपको कटआउट बनाना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। इसके बाद हमको इसको होल के सारे एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद आपको सिंपली यहां से डन कर लेना है। डन करने के बाद फिर से एक बार हम ऐड फोटो पे चलेंगे और अपने मून वाली पीएनजी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे राइट साइड कॉर्नर पे कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है। सिंपली आप ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद डन कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम ऐड फोटो पे चलेंगे और इस फोटो के लिए शैडो को अप्लाई करेंगे। तो शैडो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शैडो को आप सिंपली फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद आप इरेज पे क्लिक करेंगे। इरेज पे क्लिक करने के बाद आप इसे इन्वर्ट कर लेंगे। इन्वर्ट करने के बाद इसकी हार्डनेस को 1 रखेंगे, ओपेसिटी 50% नियर अबाउट, और साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमें अपनी फोटो को कुछ इस तरह से रिमूव करना है। और सिंपली यहां से डन कर लेंगे। डन करने के बाद हम चलेंगे इफेक्ट्स पे। इसकी जो मॉडल की इजेस हैं उस पे ब्लर अप्लाई करना है, ताकि हमारा जो बैकग्राउंड और मॉडल है वो एकदम रियलिस्टिक लगे। तो ब्लर को हम कर लेते हैं 1 से 2% इरेज करके इसके जो इजेस हैं वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके बाद आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको FX पे क्लिक करना है और HDR टूल को अप्लाई कर देंगे। HDR टूल को अप्लाई करने के बाद आपको इसके ब्लेंडिंग मोड को लाइटेन रखना है। और इसकी ब्लर ओपेसिटी को नियर अबाउट 20%, अनशार्प इसको कर देंगे 30%, फेड को नियर अबाउट 10% तक रखेंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहां से डन कर लेंगे। इसके बाद हमको ड्रॉ में जाना है और अपनी फोटो को यहां से सेव कर लेना है। पिकआर्ट में बस इतना ही। इसके बाद आपको अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसमें अपनी फोटो को इंपोर्ट करना है। आपको सिंपली लाइट में चले जाना है और कंट्रास्ट को 20 के अबव रखना है। हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, शैडो को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, व्हाइट्स को थोड़ा कम कर देंगे नियर -15 तक, ब्लैक्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे,
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। आपको यहाँ के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर लेना है। टिंट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 10 तक। वाइब्रेशन को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि हमारे फोटो पे पॉपअप लुक आ सके। सैचुरेशन को भी 10 तक बढ़ा लेंगे। इसके बाद चलते हैं मिक्स टूल पे। ऑरेंज के सैचुरेशन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि हमारे मॉडल की स्क्रीन थोड़ा ब्लू इफेक्ट आ सके, और लुमिनस को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कलर पे। इसके ह्यू को थोड़ा बढ़ा देंगे 20 तक। लुमिनस भी थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे ताकि हमारे फोटो का जो बैकग्राउंड है एकदम ब्राइट हो जाए। सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसके बाद आप फोटो को बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं। और इसको सिंपली यहां से हम लोग सेव कर लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है या आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल है तो एक लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।